आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और आज की वीडियो में बच्चों हम ये वाला क्वेश्चन लेकर आए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। इस तरह के सवाल जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है आपके एग्जाम के लिए। तो सो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी आपको इस वीडियो में कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका साइन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके लेट्स स्टार्ट। साइन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। ओके फर्स्ट यू राइट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये जो साइन है इसको इक्वल टू से इधर ले जाएंगे, ये साइन जो है साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स एंड साइन इनवर्स 1। साइन में 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? साइन इनवर्स और साइन में 1 होता है साइन 90 का, साइन पाई बाई 2। सो आई कैन राइट साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2। एंड यू नो दैट बच्चों साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। सो यू कैन राइट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन कैंसिल दैट इज पाई बाई 2। So you can write sine inverse 1/5 is equal to pi by 2 minus cos inverse x। यहाँ से जो cos inverse x था इसको हम इक्वल टू से इधर लेके आए हैं, ये प्लस था माइनस हो गया है। सो यू नो दैट फॉर्मूला sine inverse x प्लस cos inverse x इज इक्वल टू पाई बाई 2। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यू कैन राइट sine inverse x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस cos inverse x। तो पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स एक्स, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी कैन राइट दिस वैल्यू एज साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। कंपेयर बोथ साइड, इसको मैं दोनों साइड से कंपेयर करूंगा। सो कंपेयर बोथ साइड देन आई गेट एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 1/5। दिस इज अवर आंसर। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में आपके आने वाले हैं। सो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इजिली।